नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल आलोक जी में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके वजह से नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आते रहते हैं। यहां दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि गूगल का मैप हो दोस्तों कितने दिन में अपडेट होता है, यानी कि हाउ मेनी डेज गूगल मैप्स आर अपडेटेड, यानी गूगल मैप्स कितने दिनों में अपडेट करता है। तो इस वीडियो को आपको करना क्या है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपके मन में जो कभी डाउट है गूगल मैप्स से रिलेटेड वो इस वीडियो में क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। यहाँ पे गूगल पे जब कोई भी वहाँ पे आर्टिकल वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे आता है, तो गूगल उसको पहले वेरीफाई करता है, अपने बहुत सारे वहाँ पे सोर्सेज जो होते हैं उनके उन सब से वो वेरीफाई कर लेता है, तभी वो आपके वहाँ पे प्लेस जो होता है, जैसे कि आपने कोई प्लेस ऐड किया है, अगर आप एक लोकल गाइड हैं वहाँ पे गूगल पे, तो आप उसको प्लेस ऐड करेंगे तो वो तुरंत लाइव नहीं होता है। आप जैसे जानते होंगे गूगल लोकल गाइड क्या होता है, कैसे बने, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको उस वीडियो को देखना है तो आप इस मेरे चैनल पे उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो वो वीडियो भी आपको इस मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाएँ वहाँ पर सर्च करें, वीडियोज़ में आपको समझ में आ जाएगा गूगल का लोकल गाइड क्या होता है और गूगल लोकल गाइड कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि गूगल मैप पे कितने दिन में मैप अपडेट होता रहता है, यानी कितने दिन में सैटेलाइट वहाँ पे उस वहाँ पे ऑब्जेक्ट को वहाँ पे तस्वीर को लेती है, उसके बाद उसको वहाँ पे गूगल पे वो लाइव किया जाता है, यानी पब्लिक उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, गूगल के खुद ने एक ब्लॉग लिखा था गूगल अर्थ पे, उनके अबाउट सेक्शन में जाके मैंने खुद पढ़ा, तो वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि गूगल का जो मैप होता है दोस्तों, वो कम से कम एक महीने में वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्लियर करता रहता है, कैप्चर करता रहता है, और एक महीना कम से कम या फिर एक साल वहाँ पे मैक्सिमम टाइम होता है, उसके अंदर अंदर वो अपडेटेड होता रहता है गूगल का मैप। तो यहाँ पे जैसे कि आप कहीं भी आप अपने दूर बैठे हुए हैं दिल्ली में, तो आप अपने घर को देखना चाहते हैं, जैसे सपोज़ दैट आप दिल्ली में बैठे हैं, अपने इलाहाबाद में आपका घर है, वहाँ पे आप उसको देखना चाहते हैं, तो आप दिल्ली से बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने घर पे कोई नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है आपका, वहाँ पे घर वहाँ पे सेकंड मंजिला बन रहा है, यानी सेकंड वहाँ पे लेयर बना रहे हैं आप अपने घर पे वहाँ पे, तो वो उस टाइम पे एक महीने के अंदर या फिर एक साल के अंदर ही अपडेट होगा। यानी कि अगर आप तुरंत उसको देखना चाहते हैं दिल्ली में बैठे बैठे कि मेरे घर पे क्या एक्टिविटी हो रही है, अगले दिन आप देखना चाहते हैं कि मेरे घर पे वहाँ पे जो डबल वहाँ पे इमारत बनी है डबल मंजिला वो दिख रही है कि नहीं, तो तुरंत आप नहीं देख पाएंगे, अगले दिन वो आपको देखने को कम मिलेगी, वो लगभग एक महीने मिनिमम और मैक्सिमम एक साल और एक महीने के अंदर अंदर आप उसको फिर से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको चाहें तो तुरंत नहीं देख सकते। तो यहाँ पे दोस्तों गूगल ने खुद बताया है कि एक महीने या फिर मैक्सिमम एक साल बाद ही वहाँ पे गूगल का जो मैप होता है उसको वो अपडेट करता है। वहाँ पे सर्च सैटेलाइट जो लगे हुए हैं अंतरिक्ष में, वो दोस्तों बार बार 24 घंटे में वहाँ पे कैप्चर करते रहते हैं इमेज को बाकायदा, लेकिन वो अपडेट और लाइव तभी करते हैं जब उसको बहुत अच्छे तरीके से गूगल वेरीफाई कर लेता है कि हाँ अभी ये बिल्कुल सही हो चुका है, कि हाँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, तभी उसको वेरीफाई कर लेगा। अपने गाइड से बहुत सारी वहाँ पे सोर्सेस से जब उसको वेरीफाई कर लेगा तभी उसको लाइव करता है, तभी उसको अपडेट करता है आम पब्लिक के लिए। बाकी तो वैसे अब वहाँ पे सैटेलाइट जो होते हैं वो 24 घंटे में एक बार वहाँ पे फोकस करती रहती हैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे और उसको कैप्चर करती रहती हैं, और गूगल के हेडक्वार्टर उनके जो पर्सनल सैटेलाइट है गूगल अर्थ का उस पे भेजती रहती हैं, और उसको वो वहाँ पे जो वहाँ पे साइंटिस्ट हैं या फिर गूगल के जो वर्कर हैं उसको वो देखते रहते हैं, लेकिन वो लाइव तभी करते हैं जबको वेरीफाई पूरे अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बहुत से वहाँ पे सोर्सेज जो होते हैं उनसे जब वो वेरीफाई कर लेंगे तभी वो लाइव करते हैं, यानी कि आम पब्लिक के लिए, तभी उसको पब्लिक अपने वहाँ पे कंप्यूटर पे मोबाइल पे गूगल का मैप्स पे तभी उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल का जो वहाँ पे मैप होता है कितने दिनों में अपडेटेड होता रहता है। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट जो आप होता है यूट्यूब पर आप नीचे जाएँ, इस वीडियो में कमेंट करें, मैं उसका आंसर डेफिनेटली ज़रूर दूंगा। और चैनल पे आप नया गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को रेड साइड में जो वहाँ पे लाल वाली बटन बनी है उसको आप ज़रूर फोड़ें, मैं आपसे कह रहा हूँ उसको ज़रूर फोड़ें और वहाँ पे ग्रे कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।